नमस्ते, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे बनारस के फेमस दही बड़े, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप रेसिपी को पूरी तरह से ध्यान से देखें। तो दही बड़े के लिए बनाएंगे सबसे पहले इसकी इमली की चटनी। लेंगे एक कटोरी इमली और इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए ढक कर के छोड़ देंगे। इमली को अच्छी तरह से मैश करते हुए छन्नी से छान लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, 1 टुकड़ा तेज़पत्ता, 5-6 मेथी के दाने और थोड़ी सी अजवाइन। धीमी आंच पर इसमें डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 कटोरी गुड़, 1/2 कटोरी चीनी और अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। 1-2 बॉयल आने तक इसे पकने देंगे और अब हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक और 1 चम्मच सौंठ और इसी के साथ धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देख सकते हैं, हमारी इमली की चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे हरी चटनी। इसके लिए हमने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, 1/2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सादा नमक और भुने हुए चने की दाल, थोड़ा सा पानी और अदरक डाल करके इसकी चटनी बना लेंगे और ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। वड़े के लिए लेंगे 4 कप उड़द की दाल और इसे अच्छी तरह से धो करके रात भर सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारी दाल अच्छे से रात भर सोख हो करके फूल चुकी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सी में डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक मिक्सी में और पीसें ताकि इसे हाथ से फिर फेंटना ना पड़े। अब कटोरी में पानी लेकर इसे चेक करेंगे और जब ये तैरने लगे ऊपर तो समझो कि ये तैयार है। अब वड़े के मसाले के लिए 10 छोटी इलायची, 20 काली मिर्च, 1 छोटे चम्मच ज़ीरा और 6 बड़ी इलायची, थोड़ा सा अदरक, 4 हरी मिर्च और धनिया और इसे सूखा सूखा पीसना है। अब ये मसाले उड़द के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच हींग भी मिला दें। तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे और साथ ही अब बैटर में नमक मिक्स कर लेंगे। तलने से जस्ट पहले नमक डालेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगता है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब एक एक करके वड़े को तलने के लिए डाल देंगे। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से उलट पुलट करके तल लेंगे ताकि ये कहीं से कच्चे ना रहें और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं। अब एक बर्तन में गुनगुना पानी करेंगे, इसमें डालेंगे ज़रा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और हींग। अब इन तले हुए वड़ों को हम पानी में डाल देंगे। इसकी दही बहुत खास तरीके से जमाई जाती है। यहाँ पे हमने लिया है 1.5 लीटर दूध। इसे अच्छी तरह से बॉयल करेंगे और बॉयल होने के बाद भी 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। फिर उसमें 5-6 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद भी 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पर बॉयल होने देंगे। दूध को ठंडा करके इसमें थोड़ी सी दही मिला करके रात भर जमने के लिए छोड़ देंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी दही कितनी अच्छी तरीके से जमी है और ये एकदम गाढ़ी है। अब दही को अलग से बाउल में निकाल करके इसे फेंट लेंगे अच्छी तरह से और इसमें पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं। वड़ों को दबा दबा करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए एक प्लेट में सजा करके रख लेंगे और इन वड़ों को दही से अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसमें ऊपर से डालेंगे काला नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसके ऊपर से डालेंगे हरी चटनी और इमली वाली चटनी और इसे सर्व करने से पहले इसमें डालेंगे गोलगप्पे की थोड़ी सी पापड़ी और सेव और ये हमारे बनारस के फेमस दही बड़े तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिए।